हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी सर्कल। आज की वीडियो हमारी 30 डेज वोकैबुलरी सीरीज की डे 29 वीडियो है। आप सबको पता है 30 डेज वोकैबुलरी सीरीज को खत्म होने में आज का और कल का दिन और बचा है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं आज के हमारे 5 वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है एट्रोशियस, ATROCIOUS। एट्रोशियस मीन्स होता है घटिया, भयंकर या फिर हम कह सकते हैं घोर। एग्जाम्पल है हर सिंगिंग वॉज एट्रोशियस। हर सिंगिंग वॉज एट्रोशियस मतलब उसका गायन यानी उसकी जो सिंगिंग थी वो घटिया थी। एक और एग्जाम्पल, कंडीशंस इन द प्रिजन वर एट्रोशियस। कंडीशंस इन द प्रिजन वर एट्रोशियस मतलब कि जेल के हालात बेहद खराब थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रज, GRUDGE। ग्रज मीन्स होता है असंतोष, ईर्ष्या, दुश्मनी या फिर हम कह सकते हैं शिकायत। एग्जाम्पल देखिए इसको किस तरह से यूज करेंगे। आई डोंट बियर एनी ग्रज अगेंस्ट यू। I don't bear any grudge against you यानी मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सहन नहीं करता। एक और एग्जाम्पल, I always feel she has a grudge against me। I always feel she has a grudge against me मतलब कि मुझे हमेशा लगता है कि वह मुझसे ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या मीन्स असंतोष कह सकते हो या फिर शिकायत रखती है या फिर दुश्मनी रखती है, कुछ भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बैबल, BABBLE। बैबल मीन्स होता है तुतलाना, बड़बड़ाना या फिर बकवास करना। एग्जाम्पल देखिए, She was babbling something about her ring being stolen। She has babbling something about her ring being stolen मतलब कि वह अपनी अंगूठी चोरी होने के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ न कुछ कह रही थी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, I can't listen to his constant babble। I can't listen to his constant babble मतलब मैं उसकी लगातार बकवास को नहीं सुन सकता। ठीक है, ओके, अगला वर्ड है pomp, POMP। pomp मीन्स होता है धूमधाम या वैभव। एग्जाम्पल, The coronation was conducted with great pomp। The coronation was conducted with great pomp। कोरोनेशन मीन्स होता है राज्याभिषेक यानी कि एक राजा जब अपने बेटे को राजा बनाता है यानी कि उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है तो जिस महोत्सव में बनाता है यानी जिस इवेंट में बनाता है वो उस इवेंट को कोरोनेशन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल था द कोरोनेशन वॉज कंडक्टेड विद ग्रेट पॉम्प यानी राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया गया। एक और एग्जाम्पल देखो, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प यानी कि उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एंटीक्वेटेड, ANTIQUATED। एंटीक्वेटेड मीन्स होता है पुरातन यानी पुराना या फिर पुराने ढंग का। एग्जाम्पल देखिए, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मॉडर्नाइज दीज एंटीक्वेटेड इंडस्ट्रीज। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मॉडर्नाइज दीज एंटीक्वेटेड इंडस्ट्रीज मतलब कि पुराने उद्योगों को आधुनिक बनने में कई साल लगेंगे। आधुनिक मतलब नए जमाने के, न्यू टेक्नोलॉजी पर डिपेंड। एक और एग्जांपल देखो, देयर आर्मी एंड नेवी वर बिकमिंग एंटीक्वेटेड। देयर आर्मी एंड नेवी वर बिकमिंग एंटीक्वेटेड मतलब कि उनकी सेना और नौसेना पुरानी होती जा रही थी। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था एट्रोशियस जिसका मतलब है घटिया, भयानक या फिर घोर। नेक्स्ट वर्ड था ग्रज जिसका मतलब है असंतोष, ईर्ष्या, दुश्मनी या फिर कह सकते हैं शिकायत। नेक्स्ट वर्ड था बैबल जिसका मतलब है तुतलाना, बड़बड़ाना या फिर बकवास करना। फोर्थ वर्ड था पॉम्प जिसका मतलब है धूमधाम या फिर वैभव। और लास्ट फिफ्थ वर्ड था एंटीक्वेटेड जिसका मतलब है पुरातन, पुराना या फिर पुराने ढंग का। तो गाइज ये थी हमारी आज की 29 वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, जाके देखिए और सीखिए। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।